देख रहे हैं खबरें अभी तक, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। चलिए सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि हिसार के नारनौन से आ रही है, जहां पर दुष्यंत चौटाला जो है वो कोतकला डेरा पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर शांति का परिचय देश, उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को शांति का परिचय दिया है और डेरे में किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। तो दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। इसी के साथ वायरल ऑडियो क्लिप के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात को रखा है। लोकसभा में उनका कहना है कि इस वायरल ऑडियो के क्लिप के मुद्दे को उठाया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर नारनौन कोतकला डेरा सांसद दुष्यंत चौटाला पहुंच चुके हैं और शांति का परिचय उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को दिया है। उनका कहना है कि किसी भी तरीके का कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। और वायरल ऑडियो क्लिप का मुद्दा जो लगातार गरमाता जा रहा है, उस पर भी अपनी बात को उन्होंने रखा है। लोकसभा में वो इस मुद्दे को उठाएंगे, ऐसा उनका कहना रहा। तो कोतकला डेरा पहुंचे हैं सांसद दुष्यंत चौटाला। उनका बयान सामने आया है और उनका कहना है कि डेरे में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इसी के साथ वायरल ऑडियो क्लिप के मुद्दे पर भी सांसद चौटाला बोले हैं और लोकसभा में उनका कहना है कि वायरल ऑडियो क्लिप का मुद्दा वो उठाएंगे। तो हमारे संवाददाता अजय लोहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है अजय? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ नारंग के अंतर्गत आने वाले गांव कोतकला डेरे में पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है और इसी विवाद को लेकर आज यहाँ पे बहुत बड़े हवन यज्ञ और भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल जो हिमाचल के राज्यपाल है वो अभी कुछ ही देर बाद पहुंचने की संभावना है और साथ में योगी आदित्यनाथ की भी संभावना है। और इससे पहले जो सांसद है दुष्यंत चौटाला वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने सबसे पहले मंदिर में मत्था टेका और उसके बाद लोगों से शांतिपूर्वक तरीके से अपने महंत का चुनाव करने की अपील की। इसके साथ साथ उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जमीन को लेकर सुनाया है उसका उन्होंने स्वागत किया है और साथ ही जो ऑडियो वायरल हुआ है उस वायरल को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। हाँ अजय, और क्या कुछ उनका कहना रहा इस पूरे मामले को देखते हुए? नेहा मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो कोतकला के अंदर डेरा है तकरीबन 250 एकड़ जमीन इस डेरे के नाम है और 3 करोड़ के करीब जो पैसे हैं वो इस डेरे के नाम है। हाँ। और आज दो साधु जो है अपनी अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। पूरे देश भर से दोनों साधुओं ने अपने अपने पंथ के जो साधु हैं उन साधुओं को यहाँ पे बुलाया हुआ है और साथ में भारी संख्या में पुलिस प्रशासन भी यहाँ चप्पे चप्पे पर मौजूद है। पुलिस की 7 टुकड़ियां यहाँ पे लगाई गई है। हाँ। महिलाओं की, महिला पुलिस की अलग से टुकड़ियों की व्यवस्था की गई है। 3-3, 4-4 DSP यहाँ पे लगाए गए हैं। CM तहसीलदार, कई कई तहसीलदार की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। तो किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। हालांकि ये गांव वालों ने भी साफ कर दिया कि अगर प्रशासन ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो किसी भी प्रकार की अनहोनी को रूप दे सकते हैं। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम अपडेट के लिए। तो नारनौन कोतकला डेरा सांसद दुष्यंत चौटाला पहुंच चुके हैं, वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर उन्होंने अपनी बात को रखा है। सीबीआई जांच की मांग वो कह रहे हैं कि होनी चाहिए पूरे मामले को देखते हुए। इसी के साथ उनका कहना है कि लोकसभा में भी इस मुद्दे को वो उठाएंगे। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। स्टीफन हॉकिंग का नाम आते ही एक ऐसे शख्स का चेहरा जहन में घूम जाता है जिसने अपनी कमियों को ही अपनी खासियत बना डाला था। पूरी जिंदगी वो अपने शरीर की कमियों से जूझता रहा लेकिन दुनिया को ऐसा ज्ञान और जानकारी देता रहा जो पहले किसी के पास उपलब्ध नहीं थी। कॉस्मोलॉजी पर उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी किताब लिखी और अपने सिद्धांतों से दुनिया भर में खास पहचान बनाई। इस किताब की 1 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में सन 1942 में हुआ था। ब्रह्मांड में उन्होंने कई रहस्य खोले थे। तो स्टीफन हॉकिंग का निधन 76 साल की उम्र में हुआ था। आपको बता दें कि
इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में 1942 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण थे। लाइलाज बीमारी से वो लगातार जूझ रहे थे, उसके बाद भी ब्रह्मांड के कई रहस्य उन्होंने खोले, और कह सकते हैं कि जब भी उनका नाम जहन में आता है तो एक अच्छा उदाहरण उन्होंने सबके लिए जो है सामने रखा। कॉस्मोलॉजी में उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी किताब लिखी और अपने सिद्धांतों से दुनिया भर में उन्होंने खास पहचान बनाई। इसी के साथ आपको बता दें कि एक लाइलाज बीमारी से वो जूझ रहे थे, बावजूद इसके उनके हौसले हमेशा बुलंद रहे, और स्टीफन हॉकिंग जो थे उन्होंने सबके लिए एक मिसाल जो है वो कायम की। 76 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था और अपनी कमियों को ही उन्होंने अपनी खासियत बनाया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए फेसबुक पर तस्वीर अपलोड करने वाले युवक अनुपम पांडे को सोशल मीडिया पर पीएम का वाराणसी में मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी करना महंगा पड़ गया है। एसपीजी की ओर से इस मामले में आपत्ति जताने के बाद डीजीपी के निर्देश पर युवक के खिलाफ मंगलवार रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। देर रात उससे पूछताछ होती रही। जानकारी के मुताबिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर एसपीजी खासी सतर्कता बरत रहे थे। पीएम पर आतंकी खतरे को लेकर खुफिया एजेंसियों की ओर से पहले ही कई इनपुट जारी हैं और ऐसे में पीएम का वाराणसी दौरे का मिनट टू मिनट ब्यौरा सोशल मीडिया पर जारी होते ही पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी सक्रिय हो उठी है। जांच में पता चला है कि अनुपम पांडे की ओर से सोशल मीडिया पर सबसे पहले पीएम का कार्यक्रम जारी किया गया था। तो हाथ मिलाने वाली तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर डाली गई उससे कह सकते हैं कि खतरा जो है वो बढ़ता गया है और आरोपी से अब पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम की पूरी सूचना सोशल मीडिया पर दी गई थी, जिसके बाद अब आरोपी खतरे में है और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। तो एसपीजी की ओर से इस मामले में आपत्ति जताने के बाद डीजीपी के निर्देश पर युवक के खिलाफ मंगलवार रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो आरोपी अनुपम पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे लगातार पूछताछ की जा रही है। देर रात उसे पूछताछ होती रही और जानकारी के मुताबिक अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। चलिए इसी बीच सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर कालावाली से आ रही है, जहां पर पासपोर्ट जो है वो मिले हैं। चकेरिया में ग्रामीणों को करीबन 17 पासपोर्ट और मिले हैं। 256 पासपोर्ट पहले भी मिले थे, ग्रामीणों ने कालावाली पुलिस को ये पासपोर्ट सौंप दिए हैं। करीब 17 पासपोर्ट बताए जा रहे हैं जिन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है, और पहले भी गाँव चकेरिया में उसी जगह पर 256 पासपोर्ट मिले थे। तो कालावली से बड़ी खबर आ रही है, चकेरिया में ग्रामीणों को 17 और पासपोर्ट मिले हैं। पुलिस को फिलहाल ये पासपोर्ट सौंप दिए गए हैं और इससे पहले उसी जगह पर 256 के करीब पासपोर्ट पहले भी मिले थे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चनन सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है? चनन, आवाज मिल पा रही है आपको? चले जुड़ने की कोशिश करेंगे एक बार फिर। आपको बताते चले कि 17 पासपोर्ट ग्रामीणों को मिले हैं, कालावाली पुलिस को ये पासपोर्ट सौंप दिए गए हैं, और पहले भी उसी जगह से करीबन 256 पासपोर्ट मिले थे, और उसके बाद दोबारा से 17 पासपोर्ट मिले हैं जिसे फिलहाल पुलिस को सौंप दिया गया है। तो पहले भी गांव चकेरिया में उसी जगह पर 256 के करीब पासपोर्ट जो है मिले थे, और अब चकेरिया में ग्रामीणों को फिर से 17 पासपोर्ट मिले हैं जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। कालावली पुलिस को इन पासपोर्ट को सौंप दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर कालावली से इस वक्त, चकेरिया में ग्रामीणों को फिर से 17 पासपोर्ट मिले हैं, और इससे पहले भी उसी जगह से 256 के करीब पासपोर्ट बरामद किए गए थे जिन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के मतगणना शुरू हो गई है और ये सीट गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा की है। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं गोरखपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद और बीजेपी की तरफ से उपेंद्र दत्त शुक्ला उम्मीदवार हैं। फूलपुर में बीजेपी के कौशलेंद्र पटेल और सपा प्रत्याशी नागेंद्र पटेल के बीच मुकाबला है, जबकि बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस के मनीष मिश्रा और बाहुबली अतीक अहमद निर्दलीय मैदान में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लोकसभा और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने फूलपुर सीट से पिछले साल इस्तीफा दे दिया था और इसी के चलते उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में दोनों बीजेपी के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। उपचुनाव में बसपा ने सपा को समर्थन दिया है, वहीं कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है और योगी की साख पर सवाल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सिकंदर यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट है? आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी। तो मतगणना जारी है, क्या कुछ अपडेट है? जी बताते हैं, आज सुबह से ही मतलब गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के मतलब वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। सबसे पहले दोनों सीटों के बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई, उसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में मतगणना का मतलब चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी जी। लेकिन बीच में डीएम राजीव रौतेला, गोरखपुर डीएम राजीव रौतेला के मीडिया के ऊपर बैन लगा देने के बाद मामला थोड़ा सा गरमाया है, क्योंकि मीडिया ये जानना चाहती थी कि 8 राउंड की गणना हो गई, उसके बाद भी अगर मीडिया को अगर ये रिपोर्ट नहीं दी जा रही है कि कौन आ गया, क्या क्या इसका परिणाम आया है, तो इस पर मीडिया ने सवाल खड़ा किया। तो फिर मीडिया के ऊपर डीएम साहब ने बैन लगा दिया जी। कि मीडिया को इस मतलब बात की सूचना नहीं दी जाएगी। लेकिन सिकंदर, इस बात पर बैन क्यों लगाया गया कि मीडिया को किसी तरीके की सूचना ना मिल पाए? क्योंकि कारण ये रहा कि 9 राउंड की गणना हो चुकी थी और मीडिया को सिर्फ एक पहले राउंड की का डिटेल मिला था। उसके बाद जब मीडिया ने इस बात पर सवाल लिया, निशान खड़ा किया, सवाल पूछने लगे डीएम साहब से, तो डीएम साहब ने मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया। कहीं ना कहीं मतलब डीएम साहब की मंशा कुछ और रही होगी जी। इसके नाते वो मीडिया को इस बात की डिटेल देने से कतरा रहे थे। लेकिन जो ही जब ये खबर मीडिया में फिर हाईलाइट हुई है, उसके बाद से डीएम साहब की जो रिपोर्ट आई है उसमें सपा से जो यहाँ प्रत्याशी है प्रवीण कुमार निषाद, वो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ल को पीछे कर और आगे चल रहे हैं। तो सिकंदर, लेकिन जिस तरीके से मतगणना जारी है, मीडिया को भी अब सूचना नहीं मिल पाएगी, तो फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कुछ जानकारी है अभी तक? अभी तत्काल में जो स्थिति सामने आई है निकल के, वहाँ यहाँ से मतलब सपा कैंडिडेट आगे अभी चल रहे हैं और अभी 10वें राउंड तक की मतलब वो डिटेल दे पाए हैं। जी सिकंदर, वहीं अगर सुरक्षा को लेकर बातचीत की जाए तो क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? प्रशासन ने कल ही से ही सुरक्षा के पूरी चार चौबंद व्यवस्था की है। इसमें कहीं से कोई कोर कसर नहीं है कि कोई विवाद की स्थिति या कोई कहीं से कोई भी गड़बड़ी हो पाए। लेकिन बीजेपी कैंडिडेट को हारते हुए देख के और अचानक डीएम का इस तरह से रुख बदल जाना और मीडिया के ऊपर बैन लगाना, कहीं ना कहीं से शासन के दबाव में ये सवाल निशान खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं से ये लोग कुछ ध्रुवीकरण करने की फिराक में है। लेकिन सिकंदर, अगर बात की जाए सपा की, तो जिस तरीके से मीडिया पर बैन लगा दिया गया है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? प्रतिक्रिया इसमें सीधे सीधे तौर पर बहुत पहले ही सपा से जो लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी है प्रवीण निषाद, उन्होंने पहले ही बता दिया है कि इस पे कहीं ना कहीं धांधली का वो खुद आशंका जताए हैं कि कहीं ना कहीं से हमको धांधली करके और हराने की कोशिश की जाती है जी। तो कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, मीडिया पर बैन लगा दिया गया है ताकि उन्हें कोई सूचना न मिल पाए। बहुत बड़े सवाल ये निशान खड़े होते हैं। और डीएम जो मतलब यहाँ का जिला अधिकारी है जिनके थ्रू सारा कुछ होना है, उन्हीं के द्वारा मीडिया के ऊपर अगर ये बैन लगाया जा रहा है, तो आखिर कहीं ना कहीं उनकी मंशा कुछ और है, बिल्कुल साफ झलक रही है। तो योगी की साख पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं।
सबसे इसमें मेन मुद्दा यही है कि ये योगी आदित्यनाथ और ये मंदिर की पुश्तैनी सीट रही है जिस पर बेकार लांछन लगाने की बात कर रहे हैं। वो सरकार से चुनाव लड़ रहे हैं, विपक्ष हैं, हमसे चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं आरोप के घेरे में लाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ईमानदारी से उन्हें आकलन करना चाहिए कि जनता ने उन्हें नकार दिया है और हमारे मोदी जी के आदरणीय मोदी जी का जो विश्वास और विकास का उनका एजेंडा है और विश्वास इतना बढ़ गया है कि आप देखिए 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको आईना दिखा चुकी है देश की जनता, आप अपना आकलन करिए कि आप बाहर क्यों हुए और आपसे गलतियां क्या हुई, आप अपनी गलतियों का प्रायश्चित करिए। मैंने कहा ना कि देखिए सदन की कार्रवाई न चलने देना ये तो बहुत ही लोकतंत्र। बिल्कुल सिकंदर, तो जिस तरीके से अब सवालिया निशान यहां पर खड़े हो रहे हैं मीडिया पर, अब जो सूचना है वो नहीं पहुंच पा रही है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? इलेक्शन कमीशन से मैंने शिकायत कर दी है, डीएम से भी बात की, आरओ से मेरी बात की, कोई दोनों जगह लीड कर रहे हैं और दोनों जगह अब जीतेंगे। लेकिन फुलपुर में तो आपकी जीत तय लग रही है और गोरखपुर में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस गठबंधन जीत का श्रेय किसको देंगे? हमें लगता है गोरखपुर में लीड ज्यादा होगी फुलपुर से। डीएम का रवैया रहा है, गिनती उन्होंने बता नहीं रहे कितने वोट हुए, 9 राउंड तक पहले राउंड की गिनती बता रही है। से मेरी अभी बात हुई थी टेलीफोन पे, तो उन्होंने कहा कि एक ऑब्जर्वर उसमें बहुत चलो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया। क्या बीएसपी का गठबंधन काम कर रहा है? बिल्कुल काम न कर रहा होता तो ये रिजल्ट जैसा के वहाँ। सिकंदर, सुना आपने कि जिस तरीके से सपा नेता ने कहा कि ऑब्जर्वर है वो काम कर रहा है, भले ही मीडिया तक सूचना नहीं मिल पा रही है, लेकिन ऑब्जर्वर अगर काम कर रहा है मीडिया को सूचित क्यों नहीं किया जा रहा, मीडिया तक जो है पूरी जानकारी क्यों नहीं पहुंचने दी जा रही? देखिए अभी एक घंटे पहले ये बैन डीएम साहब के थ्रू लगाया गया मीडिया के ऊपर जी, उसके पहले ऑब्जर्वर पर भी सवालिया निशान सपा के जो प्रत्याशी प्रवीण निषाद है उन्होंने खुद मतलब ये किया है कि ऑब्जर्वर बदल दिया गया है और ऐसे जगह पे मतलब ये कहना मुमकिन नहीं होगा कि कहीं ना कहीं से ये कुछ अपनी ये साख बनाने के चक्कर में यहाँ के अधिकारी क्योंकि सीएम की सीट है जी। यूपी के सीएम की सीट है और इससे वो कहीं ना कहीं से ये चाहेंगे कि ये सीट वो जीते हैं जी। और सिकंदर, सपा की तरफ से इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की गई है इस बात की, डीएम की, गोरखपुर की? नहीं, इस बात की तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन गोरखपुर के डीएम के द्वारा जो पत्रकारों के साथ ये व्यवहार किया गया जी, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ हर किसी को अपना अधिकार है मत देने का और जिसके पक्ष में वोट पड़ा है तो इसमें आखिर उनको डिटेल देने में क्या दिक्कत, जो भी परिणाम सामने आ रहे हैं उनको उसका डिटेल देना चाहिए जी। तो सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि डीएम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई है, जांच की जाए, मीडिया तक बातचीत जो है सूचना नहीं पहुंचाई जा रही, अगर बीजेपी के दोनों दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो उनकी भी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है इस वक्त जी। जाहिर सी बात है कि ये तक का सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का परिणाम मेरे पास आ गया है और इसमें अब स्थिति इस प्रकार है, पांचवें राउंड के गिनती के एंड में पांचवें राउंड में भी सपा आगे कुल आगे हाँ कुल वोट्स पोल्ड 151,547 जिसमें भाजपा के कैंडिडेट को 70,317, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 74,077, कांग्रेस को 3,084, अवधेश निषाद को 393, गिरीश नारायण पांडे को 272, नरेंद्र कुमार मेहता को 266, मालती देवी को 445, राधेश्याम सेहरा को 357, विजय कुमार राय को 297, श्रवण कुमार निषाद को 566 और नोटा में 1473। कुल वोट पोल 151,547, डिफरेंस 70,317 है, इसको माइनस करना पड़ेगा। डीएम सर, व्हाई इट इज टेकिंग टू मच टाइम बिकॉज़ एवरीवेयर वी आर सीइंग द ट्रेन दैट कमिंग आउट फॉर हियर।
और आप लोग को अनुमति है, पूरा काउंटिंग एजेंट का जितना स्पेस है पांचों एसीज में आप जाके अपना शूट कर सकते हैं। केवल इलेक्शन कमीशन के ये आदेश हैं कि जहां ईवीएम्स सर्कुलेशन में है वहां पर आप अलाउड नहीं है, यू आर ओपन टू गो। और यहां पर आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर सामने बैठे हैं दोनों, अभी अभी दोनों ऑब्जर्वर्स ने पांचवे राउंड की शीट साइन की है। That's exactly the question, sir, because we are having the trends from different respective seats, that 11th round, 12th round. Here, why the information has restricted only to the 5th round? There are different ways of different people acting, and because AROs जब अपनी शीट दे देते हैं तो वो बहुत माइन्यूटली एग्जामिन होती हैं ऑब्जर्वर्स के द्वारा। इट इज इन द हैंड ऑफ द ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर सामने बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, जैसे ही वो शीट साइन कर देते हैं मैं आपके बीच में आके आपको राउंड की सूचना देता हूं। इस देरी को लेकर विधानसभा संसद तो अभी आपने डीएम को सुना, उनका कहना था कि जिस तरीके से पांचवें राउंड तक के नतीजे उन्होंने बताए हैं, सपा फिलहाल आगे चल रही है और मीडिया को जिस तरीके से बैन कर दिया गया था, कोई सूचना उन तक नहीं पहुंचाई जा रही थी, फिलहाल मीडिया को भी इजाजत दे दी गई है, लेकिन ईवीएम के दायरे तक अभी भी उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।